बेहतरीन दिवाली स्पेशल रेसिपी। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ बेसन सूजी बर्फी। तो बेसन सूजी बर्फी बनाने के लिए यहाँ पर 1.5 कप मैं बेसन ले रखी हूँ और 1/2 कप सूजी, इसी कप से दोनों का मेजरमेंट कर लिया है। तो सबसे पहले एक बाउल ले लेंगे और इसमें ये 1.5 कप बेसन जो है वो डाल देंगे और इसमें 1/2 कप ये सूजी डाल देंगे। तो बेसन और सूजी को दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब चलिए चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पर गैस पर कढ़ाई रख देंगे और इसे गर्म कर लेंगे और इसमें डालेंगे 4 बड़ी चम्मच घी और घी को पिघलने देते हैं। तो घी हमारा पिघल गया है। घी को पिघलते ही बेसन को इसमें डाल देंगे और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और बेसन सूजी को डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो बेसन हमारा थोड़ा सूखा लग रहा है तो 3 ही चम्मच में इसमें घी ऐड कर रखी थी, अब इसमें 1 चम्मच और डाल देंगे। 1 चम्मच घी और डाल देती हूँ और इसे मिक्स कर लेती हूँ। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे, लो फ्लेम पे इसको अच्छे से भुनाई करेंगे। जब तक अच्छे से बेसन और सूजी भुन नहीं जाता तब तक हम इसे मीडियम फ्लेम पे लगातार इसे चलाते रहेंगे ताकि बेसन और सूजी अच्छे से भुन जाए। तो अब आप देख सकते हैं बेसन पहले से कितना गीला हो गया है। इसे लगातार चलाते रहेंगे छोटी चम्मच के इतना इलायची पाउडर, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिठाई में इलायची पाउडर डालने से फ्लेवर बहुत अच्छी आती है, तो ये जरूर डालें। तो यहाँ आप देख सकते हैं बेसन और सूजी हमारा अच्छे से भून गया है, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है तभी से टेस्ट पे। अब इसमें डाल देंगे चीनी, तो 1/4 कप पिसा हुआ इसमें चीनी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीनी डालने के बाद 1 मिनट तक इसको भूनेंगे। तो अब आप देख सकते हैं 1 मिनट हमारा हो गया है, तभी से स्टेज पर गैस को बंद कर देते हैं। यहाँ पर बर्फी जमाने के लिए बर्फी वाला ट्रे ले सकते हैं या कोई बर्तन या डब्बा कुछ भी ले सकते हैं। इसमें थोड़ी सी घी डाल देंगे और इसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और इसी में मैं 1 बटर पेपर लगा दूंगी। इसे भी घी से ग्रीस कर लूंगी, थोड़ा सा पिस्ता से गार्निश कर लूंगी। इसी में थोड़ा पिस्ता फैला दूंगी और इसी में बेसन सूजी का जो बेटर बना रखी हूँ वो डाल देंगे। अब इसे हल्का सा टैप कर देंगे, तब यह हमारा बेसन बर्फी जमने के लिए 1.5 से 2 घंटे के लिए इसे छोड़ देंगे। तो ये लीजिए बेसन सूजी बर्फी हमारा अच्छे से सेट हो गया है, 1.5 से 2 घंटा हो गया है, तब इसे निकाल लेते हैं। तो अब इसे ऐसे पलट लेंगे, अब इसे ऐसे निकाल लेते हैं। अब इसे कट कर लेंगे, अब इसे लंबे लंबे पीसेस में कट कर लेंगे। तो ये लीजिए तैयार है हमारा बिल्कुल मार्केट जैसा बेसन सूजी बर्फी। तो यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ चटपट खास्टा करारा मसाला समोसा। तो इसके लिए मैंने ले लिया है 2 कप मैदा और 1 कप आटा। तो अब इसे तैयार करने के लिए बड़ा सा एक बाउल या थाली ले लेते हैं और इसमें डाल देंगे 2 कप मैदा और 1 कप आटा। अब इसमें जाएगा 1/2 चम्मच नमक, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और इसमें जाएगा 1/2 चम्मच अजवाइन। तो इसको ऐसे मसल करके इसमें डाल देंगे। अब इसमें जाएगा 1/4 कप ऑयल, यानी कोई सा भी आप जो खाते हैं वो तेल डाल दें। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेंगे और अच्छे से इसे तेल के साथ मसल लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं सारे आटे को तेल के साथ हम लोग
हम अच्छे से मसल लिए हैं इसे। इसको ऐसे बांधने से देखिए बंध रहा है। हमें ऐसे इतना ही मिक्स तेल चाहिए। तब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आटे को गूंद लेंगे, एक सॉफ्ट डो बनाएंगे। तो इसमें एक साथ पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं आटा मेरा अच्छे से गूंथ गया है, देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट है। ऐसे हमें आटा चाहिए। तब इसके ऊपर थोड़ी सी तेल लगा लेंगे। तब तेल से थोड़ा इसको चिकना कर लेंगे और इसको कोई एक गीला कपड़ा या कोई प्लेट से ढक कर इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जब मैं ढक देती हूँ और 10 मिनट के लिए इसे छोड़ देते हैं। जब तक आटा हमारा 10 मिनट के लिए सेट हो रहा है, तब तक बनाते हैं समोसे के लिए स्टफिंग। तो स्टफिंग बनाने के लिए एक यहाँ पे जार ले लेंगे। तब इसमें डालेंगे 1 कप आलू भुजिया और इसी में डाल देंगे 1 कप मूंग दाल और इसी में डाल देंगे 1 कप मिक्स मिक्सचर और इसमें जाएगा थोड़ी सी मूंगफली। अब इसमें जाएगा 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच नमक स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच चाट मसाला, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर और इसी में जाएगा थोड़ी सी काजू। अब ये सारे चीज़ों को दरदरा सा पीस लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं अच्छे से पिक्स गया है। तब इसे एक बाउल में डाल देंगे। अब इसमें डाल देंगे थोड़ी सी किशमिश और इसमें जाएगा 1 से 1.5 चम्मच सैजवान सॉस। आप देख सकते हैं ऐसे आता है। तो 1 से 1.5 चम्मच ये सैजवान सॉस डाल देते हैं इसमें। अब इन सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सैजवान सॉस को अच्छे से मिक्स कर लिया है, तब इसे छोटा छोटा बॉल बना लेते हैं। छोटा छोटा बॉल बना करके तैयार कर लेते हैं पहले। तो यहाँ आप देख सकते हैं सारे बॉल बना करके रेडी कर लिए हैं। अब आटा देख लेते हैं। तो अब 10 मिनट हमारा हो गया है, आटा को चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं अब इस आटे को थोड़ा ऐसे मसल लेंगे। तो आटे को अच्छे से मसल लिया है। अब इसे 2 भाग में काट लेते हैं और एक को इधर ढक करके साइड कर देते हैं। इसे गोल ऐसे लोई बना लेंगे और इसकी थोड़ी सी इसे ऑयल डाल देंगे। आप देख सकते हैं चकले को पूरा इसको मैंने फैला लिया है, अच्छे से बेल लिया है। अब इसे बर्फी के शेप में कट कर लेंगे। बाकी को इधर साइड कर लेते हैं। अब इसे ऐसे बर्फी के शेप में कट कर लेते हैं। साइड से पानी लगा लेंगे। पहले बाउल में से एक बाउल को लेकर के यहाँ पे रख देंगे और इसे ऐसे दबा देंगे। बाकी इधर तीनों साइड से इसे दबा देंगे। आप देख सकते हैं ऐसे बाकी सारे समोसे हम बना लेंगे। तो ये लीजिए सारे समोसे हमने बना लिए हैं। तो चलिए अभी इसे फ्राई कर लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं गैस पे कढ़ाई रख देंगे और इसमें तेल डाल देंगे। और तेल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। तो आप देख सकते हैं तेल हमारा अब गर्म हो गया है। अब इसमें समोसे डाल देंगे। कढ़ाई में जितना आ सके उतना हम इसमें समोसे को डाल देंगे।
अब इसे एक एक करके पलट लेते हैं। इसे दोनों तरफ से अलट पलट करके गोल्डन ब्राउन सेक लेंगे। आप देख सकते हैं गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो सारे समोसे को निकाल लेते हैं। इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। बाकी के समोसे इसमें फिर से डाल करके सेक लेंगे। तो रेडी है हमारा करारे करारे मसाला समोसा। तो ये लीजिए, तैयार है हमारा दिवाली रेसिपी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो हमारा आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।